हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज से हम चैप्टर 7 जीएसटी का स्टार्ट कर रहे हैं, आईपीसीसी लेवल का। और यहाँ पे इसका नाम है सर रजिस्ट्रेशन। तो इसमें हम रजिस्ट्रेशंस के प्रोविजंस के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद सर, ये हमारा पार्ट 1 है। और आज का जो टॉपिक है सर, वो है सेक्शन 22 सबसेक्शन 1। दोस्तों, ये क्या कहता है? लेट सपोज कोई ए है, ठीक है, और ये एक सप्लायर है। अब ए जो सप्लायर है, या तो ये गुड्स की सप्लाई करेगा या तो ये सर्विस की सप्लाई करेगा। तो ओवरऑल ये क्या करता है, जो सप्लायर है, ये गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करता है, सप्लाई करता है। हमारे लिए ध्यान देने वाली बात क्या है, या तो ये स्टेट में कर रहा है या तो ये यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहा है। और ये जो सप्लाई ये कर रहा है, ये जो सप्लाई ये कर रहा है, ये टैक्सेबल सप्लाई है। कैसी सप्लाई है? टैक्सेबल सप्लाई। तो अब हम क्या कहते हैं कि भैया, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर, अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो ज्यादा हो रहा है 20 लाख से। सर, मेरा बस 20 लाख से 1 रुपये ज्यादा है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इतनी सी बात ये कहता है। और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे सर। ये देखो कैसे कहते हैं, पढ़ते हैं इसे एक बार। एवरी सप्लायर, किसी भी सप्लायर को माफी नहीं है, सारे सप्लायर यहाँ कवर होंगे, जो कि या तो गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या तो वो सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, या तो वो बोथ, दोनों ही वो बेच सकते हैं, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। तो उसे क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब कि कंपलसरी है भैया कि आपको अब लेना पड़ेगा। इन दी स्टेट, या तो आप स्टेट में कर रहे हैं या तो आप यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, जब भी वो टैक्सेबल सप्लाई देगा, वर्ड क्या है सर? टैक्सेबल सप्लाई, यानी अगर वो एग्जैम्ड सप्लाई देता है, यानी वो अगर एग्जैम्ड सप्लाई देता है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है? और इसका, अरे टेक्निकल जी, आप कहाँ परेशान कर रहे हैं हमें। टैक्सेबल भाई, ये सप्लाई को आप अंडरलाइन कर लेना। और कह रहे हैं, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हुआ फाइनेंशियल ईयर में कितना, 20 लाख। इन्होंने खुद ही 20 लाख को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है सर? यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। ओके, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमसे कहता है कि भैया, हाउएवर द लिमिट ऑफ 20 लाख, जो 20 लाख की लिमिट है, ये 10 लाख हो जाती है स्पेशल कैटेगरी के केसेस में। मतलब जब भी आपकी स्पेशल कैटेगरी आएगी तो ये 20 लाख की लिमिट 10 लाख की हो जाएगी। तो ये कहाँ कहाँ है सर? ये अरुणाचल प्रदेश में लिमिट 10 लाख है, आसाम में 10 लाख है, जम्मू एंड कश्मीर में 10 लाख है, मणिपुर में 10 लाख है, मेघालय में 10 लाख है, मिजोरम में 10 लाख है, नागालैंड में 10 लाख है, सिक्किम में 10 लाख है, त्रिपुरा में 10 लाख है, हिमाचल प्रदेश में 10 लाख है, उत्तराखंड में 10 लाख है। अब बोलो सर, इसको याद कैसे करें? तो सर, दो तीन तरीके। या तो इसकी स्टोरी को टेलिंग बना लो, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग। जैसे अरुणाचल प्रदेश, अब लड़कों को लव स्टोरी बड़ी जल्दी याद होती है, तो लड़कों का माइंड थोड़ा सा बच्चों वाला होता है, तो उन्हें अच्छी अच्छी बातें याद होती है, गलत बातें याद नहीं होती, ठीक है? तो चलो मैं अपनी ऊपर स्टोरी बनाता हूँ कि मैं पहली बार एक लड़की से अरुणाचल प्रदेश में मिला, ठीक है? स्टोरी बनाते हुए चलते हैं, आपको याद ही कराने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर हो गया तो बेहतरीन बात। तो मैं एक लड़की से अरुणाचल प्रदेश में मिला, ठीक है? क्या हुआ? मैं एक लड़की से मिला, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। फिर क्या हुआ? आसाम, फिर मैं उसका पीछा करते करते आसाम पहुंचा, फिर मैं उसका पीछा करते करते आसाम पहुंचा। तो आसाम में कैसे पहुंचा? उसका पीछा करते करते, पीछा करते करते मैं कहाँ पहुंचा? आसाम पहुंचा। ओके, उसके बाद क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर में उसने और मैंने बैठ के जामुन खाए। क्या किया हमने? जम्मू एंड कश्मीर में बैठ के J4 क्या होता है? जामुन। तो मैंने उसके साथ बैठ के जामुन खाए, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश में मैं एक लड़के से मिला, आसाम तक मैंने उसका पीछा किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में हम दोनों ने बैठ के जामुन खाए। उसके बाद वो कहता है मणिपुर एंड मेघालय एंड मिजोरम, तो हमने 3M में बैठ के मूवी देखी, हमने 3M में बैठ के मूवी देखी। क्या क्या हो गया? एक मिजोरम हो गया, एक आपके लिए क्या हो गया, मणिपुर हो गया, और एक एम आपके लिए हो गया
मेघालय, ठीक है। हमने 3 M में 3 मूवी देखी, 3 मूवी, कितनी मूवी देखी, 3 मूवी देखी। 1 M हो गया आपका मिजोरम, 1 M हो गया सर मेघालय, और 1 हो गया सर मणिपुर। हमने यहाँ पे बैठ के क्या की, मूवी देखी। ओके, उसके बाद वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहता है कि भैया हमने नागालैंड एंड सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है, तो हमने नागालैंड, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ठीक है सर। अब इसे कैसे याद रखोगे कि भैया हमने मूवी देख के पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जो होते हैं हमने कहाँ खाए, नागालैंड में, बर्गर खाया बर्गर सिक्किम में खाया, एंड पिज्जा त्रिपुरा में, त्रिपुरा में खाया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में मैं उसके पापा से शादी की बात करने गया, हिमाचल प्रदेश में मैं उसके पापा से शादी की बात करने गया, शादी की बात करने में वहां पे गया। और उसके बाद उसके पापा ने उत्तराखंड में मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, उस लड़की ने मेरा दिल उत्तराखंड में तोड़ दिया। उत्तराखंड में उसने मेरा क्या किया, दिल तोड़ दिया। अब इस कहानी को 2-3 बार आप लोग याद करो, 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको अपने आप ये कहानी जो है याद हो जाएगी। और आपको जो 11 स्टेट जो इन्होंने बताए हैं जहाँ की लिमिट 10 लाख है, अब ये 10 लाख कैसे, कि भैया इतनी जर्नी में मेरा 10 लाख का खर्चा आया, इतनी जर्नी में यहाँ से यहाँ तक मैं गया इन 11 जगह पे, तो मेरा 10 लाख का खर्चा आया, तो अब ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो, पसंद आया तो सर लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और अगर पसंद आ रहे हो तो सर कमेंट करके इजहार कीजिए कि हाँ आपको ये सब समझ में आ रहा है। उसके बाद सर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब इन्होंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, तो सर एग्रीगेट टर्नओवर में वो कहता है कि भैया टैक्सेबल सप्लाई को जोड़ लो, एग्जेम्प्ट सप्लाई को जोड़ लो, एक्सपोर्ट हो तो कोई जोड़ लो, इंटर स्टेट सप्लाई हो तो उसे जोड़ लो, ठीक है। टैक्सेबल सप्लाई को जोड़ो, एग्जेम्प्ट को जोड़ो, एक्सपोर्ट को जोड़ो, इंटर स्टेट सप्लाई को जोड़ो। दोबारा से एक बार, टैक्सेबल सप्लाई को जोड़ना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई को जोड़ना है, कोई एक्सपोर्ट किया है तो भी जोड़ना है, इंटर स्टेट सप्लाई और सेम हैविंग सेम पैन नंबर इसको भी जोड़ना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक बार दोबारा से आपके साथ लिखूंगा क्या क्या जोड़ना है, तो वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, कोई भी अगर टैक्सेबल सप्लाई है हमें उसे जोड़ना है, कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाई है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हमें उसे जोड़ना है, उसके बाद कोई भी एक्सपोर्ट है तो हमें उसे जोड़ना है। अगले में वो कहता है कि भैया इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो आप, इंटर स्टेट सप्लाई, और सबसे मजेदार बात क्या है कि आप लेट सपोज दिल्ली में और हरियाणा में हो, दिल्ली की टर्नओवर 11 लाख, हरियाणा की टर्नओवर आपकी 10 लाख, आप कह रहे हो ना यहाँ 20, 20 यहाँ पे भी नहीं है और 20 यहाँ पे भी नहीं है, तो ये क्या कहता है, इन दोनों को जोड़ के बताओ। मैंने कहा 21, तो बोलो बेटा लो आप यहाँ पे आ गए, मतलब आपकी दो स्टेट जिनका पैन नंबर सेम है, भैया दोनों रजिस्टर्ड तो आप ही के नाम पे है ना, दिल्ली हो या हरियाणा हो, रजिस्टर्ड तो आपके नाम पे है, तो इनका जो भी टर्नओवर होगा उसको हम जोड़ेंगे एग्रीगेट टर्नओवर करते समय। फिर ये क्या कहते हैं आगे, ये कहते हैं हम लेस करेंगे, हम क्या क्या शामिल नहीं करेंगे, तो भैया हम CGST को शामिल नहीं करते, हम SGST को शामिल नहीं करते, हम UTGST को शामिल नहीं करते, और वो क्या कहते हैं कि हमने कोई कंपनसेशन सेस दिया है तो हम उसे भी शामिल नहीं करते। सर आपको मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर 5 में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई पढ़ाया होगा, तो वहां भी ये सारी बातें मैंने की थी, मैं बस यहाँ रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है सर, ऑलरेडी ये मेरा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद एक चीज आती है कि इसको मैं समझाता हूँ, फिर वर्ड्स में आपको बुक में दिखा दूंगा। वो ये कहता है ए ने बी को माल बेचा, और ये रिवर्स चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का केस है, तो यहां पे बी को टैक्स देना है, टैक्स तो बी देगा लेकिन ये जो सेल है ये ए के में ही जुड़ेगी,
बी में नहीं जुड़ेगी, वो ये कहता है। दोबारा से बोलता हूँ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में बी को टैक्स देना होता है। अब ये क्या होता है भैया, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, आपको शुरू से सारे लेक्चर फॉलो करने पड़ेंगे, बीच में आके आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको शुरू से सब देखना होगा। तो भैया जो बी है उसने टैक्स पे किया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, लेकिन प्रोविजन क्या कहता है कि भैया जब आप टर्नओवर जोड़ोगे, एग्रीगेट टर्नओवर, तो आप ए में ही इस सेल को जोड़ोगे, बी में नहीं। ठीक है सर, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब चलो बुक से जरा एक बार पढ़ के देखते हैं। बुक ने यहां तक तो बता दिया कि भैया हैविंग सेम पेन को हम क्या करेंगे, ऑल इंडिया बेसिस को जोड़ेंगे। उसके बाद सीजीएसटी को नहीं लेना है, ये यहाँ पे माइनस का साइन है, नहीं लेना है। एसजीएसटी को नहीं लेना, यूटीजीएसटी को नहीं लेना, आईजीएसटी को नहीं लेना, कंपनसेशन सेस को नहीं लेना, वैल्यू इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, इसको भी नहीं लिया जाता। किस में लिया जाता है, जिसने सेल किया उसी में। तो इसी बात को इन्होंने थोड़ा डिजाइनदार बना के बनाया है, गोलू मोलू सोच रहे हैं। गोलू मोलू क्या सोच रहा है, कह रहा है आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज वुड कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द सप्लायर ऑफ सच सप्लाई, सप्लायर ऑफ सच सप्लाई। तो अभी मैंने आपको जो केस दिखाया यहाँ पे कि ए ने बेचा, बी ने टैक्स पे किया, लेकिन जुड़ेगा ए में ही। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसके बाद ये कहते हैं एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर, ये बात मैंने आपको बता दी, दिल्ली और हरियाणा वाली याद है, अभी अभी एग्जांपल दिखाया था। दिल्ली और हरियाणा का अलग अलग है, लेकिन पेन अगर दोनों का सेम है, पैन नंबर दोनों का सेम है, तो हम दोनों को एक साथ जोड़ के देखेंगे। फिर यह कहते हैं कि इफ पर्सन हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस इंडिया, वन ब्रांच इन एनी ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी जो मैंने अपनी प्यार की कहानी सुनाई आपको, वो वाली स्पेशल कैटेगरी, तो उस केसेस में अगर स्पेशल कैटेगरी वाले केस में हमें ये टर्नओवर 10 लाख चेक करना है, जो अभी हमने यहाँ 20 चेक किया वो यहाँ पे हमें 10 चेक करना है। अब वो कह रहा है एक्सपोर्ट गुड्स सर्विस और या एग्जेम्प्टेड गुड्स। ठीक है, अभी इसकी बात कर रहा है कि लेट सपोज आप ऐसी जगह सेल कर रहे हो जो कि एक्सपोर्ट है या एग्जेम्प्टेड गुड्स है, तो आप क्या करोगे। तो सर मैं इसके लिए हल्का सा आपको बता के बताता हूँ, फिर आपको जल्दी समझ में आएगा ये वाली बात। आप क्या करोगे ना, कॉपी में हेडिंग के साथ साथ जो मैं सिखाता हूँ यहाँ पे उसे भी लिखते चलना है। लेट सपोज इन्होंने एग्जांपल भी देखो किसका दिया है, रोहन भाई साहब का दिया है। तो लेट सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल उन्हीं का उठाते हैं, रोहन ऑयल्स लिमिटेड है कोई, तो रोहन ऑयल्स लिमिटेड जो है वो दो चीज़ें बेचता है, लेट सपोज मशीन ऑयल और पेट्रोल ऑयल, ये दो चीजें वो बेचता है। भैया ये तो टैक्सेबल है और ये नॉट टैक्सेबल है, ये नॉट टैक्सेबल है। अब वो क्या कह रहा है कि जब आप एग्रीगेट टर्नओवर जोड़ोगे, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर करोगे, वैसे तो हमें नहीं लेना, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर देखने के लिए कि इनकी लिमिट 20 लाख आती है कि नहीं आती है, स्पेशल केसेस में ये 10 लाख आती है या नहीं आती है, उस केसेस में आप इन दोनों को एक बार सिर्फ थ्रेशहोल्ड के लिए, सिर्फ लिमिट चेक करने के लिए एक बार जोड़ के चेक करोगे, वो यही कहते हैं। अब आप पढ़ो, वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स या सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज या इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ के आपस में देखेंगे। तो वही एग्जाम्पल है सर जो मैंने आपको बताया कि नॉट टैक्सेबल एज वेल एज टैक्सेबल को हम एक बार जोड़ के चेक करेंगे कि वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, थ्रेशहोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। फिर वो क्या कहता है, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ऑन अकाउंट और मेड ऑन हिज बिहाफ ऑफ ऑल हिज प्रिंसिपल। ठीक है, ये बहुत इजी सा टॉपिक है, मैं इसको भी हल्का सा आपको बता के दिखाता हूँ। ये कहता है कि हमारा एक प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप आपने पढ़ी होगी। अब इसका कोई एजेंट है, एजेंट हमारा बी है और प्रिंसिपल हमारा ए है। अब ए ने क्या किया, वो टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, टैक्सेबल सप्लाई दे रहा है, तो हम बी के लिए क्या कह रहे हैं, सप्लाईज मेड ऑन बिहाफ, सप्लाईज मेड ऑन बिहाफ ऑफ ए टू बी इंक्लूडेड, टू बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर। मतलब हम ए के एग्रीगेट टर्नओवर में जो इसके एजेंट ने बेचा है उसको भी जोड़ेंगे, वो ये कह रहा है। तो मोहिनी इंटरप्राइज हैज अपॉइंटेड एमएस बेस्टफोर्ड्स एंड एसोसिएट एज इट एजेंट, ऑल द सप्लाई ऑफ गुड मेड बाय एमएस बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट एज एजेंट ऑफ मोहिनी इंटरप्राइज विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एमएस बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट। ठीक है सर, ये वाली बात यहाँ पे खत्म होती है।
उसके बाद लास्ट एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में डिफरेंस इन्होंने कहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप इसे इस तरीके से एक बार लिख ले, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। आप हेडिंग डालिए सर, सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट। सर एक बात कहूँ, वैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर एग्जाम को ट्रिकी या टफ बनाना है तो भैया ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट से आप क्या डिफरेंस समझते हो। ठीक है, तो भैया आप लिखोगे कि दी कंपोजिशन, दी कंपोजिशन लेवी वुड बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। सर इसका रोना गाना सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द कंपोजिशन लेवी वुड बी कैलकुलेटेड, मतलब कंपोजिशन लेवी कब करेगा, कंपोजिशन लेवी कब करेगा, इस बात की जो कैलकुलेशन है वो टर्नओवर इन स्टेट बेसिस पे की जाती है। बोलो इसका कोई एग्जांपल नहीं, बस इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, वर्ड को पकड़ना है सर, कि कंपोजिशन लेवी कब होगा, कंपोजिशन लेवी कब होगा, कंपोजिशन लेवी कब होगा, कंपोजिशन लेवी कब होगा, इस बात को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो टर्नओवर इन स्टेट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ओके। और इसका कब करते हैं सर, फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एज वेल एज Eligibility for composition scheme। सर आपको यही वर्ड चेप के आने हैं, प्लीज इसको समझ लीजिए, दो तीन बार रट्टा मार लीजिए, दो चार बार वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कहता है फॉर डिटरमाइनिंग थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब भी आप थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, क्या थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो अभी हमने क्या चेक किया था, 22 जो हमने सेक्शन अभी टच किया, 22 सबसेक्शन 1, इसमें हमने थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन चेक किया था, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। और जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि ये कंपोजिशन इसको देनी चाहिए कि नहीं, जब हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि कंपोजिशन देनी चाहिए या नहीं, तो हम एग्रीगेट टर्नओवर को देखते हैं। लेकिन टर्नओवर स्टेट तब देखते हैं जब वो लेवी की बात करता है, क्या लेवी की बात करता है, और एलिजिबिलिटी फॉर कंपोजिशन लेवी कि भैया इसे कंपोजिशन स्कीम मिलनी चाहिए या नहीं, वर्ड पे ध्यान देना, कंपोजिशन स्कीम मिलनी चाहिए या नहीं, तब हम ये देखते हैं। और थ्रेशहोल्ड लिमिट और रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं तो हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं। ठीक है सर, तो यही बात सर ये कह रहा था यहाँ पे। उसके बाद सर अलग सब सेक्शन 3 वगैरह चालू हो गए, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। ठीक है, इस पार्ट में सर इतना ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा चाहूँगा, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो सर ब्रॉडकास्ट का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इस ब्रॉडकास्ट का ग्रुप आपको जो है वो मिल जाएगा सर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो का है। और कमेंट जरूर कीजिए सर, मुझे भी पता चलता है कि मेरे एफर्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं मेरे एफर्ट्स के थ्रू, कोई मिस्टेक है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अपने आपकी तरह जो अदर स्टूडेंट हैं जो क्लासेस वगैरह लेने में नहीं एफर्ट कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनसे भी ये चैनल और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।